हेलो दोस्तों, टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 775 मोटर है और इस मोटर को मैं मोटर कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके उसके बाद टेस्ट करने वाले हैं कैसा काम करता है। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था कंट्रोलर, तो अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाता हूँ, पूरा कनेक्ट करके उसके बाद डिटेल्स मैं बताता हूँ कितना वोल्ट से कितना वोल्ट तक ये काम करेगा। दोस्तों, ये कंट्रोलर जो बहुत ही सेफ्टी से ये आया है, इसे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और ये अनबॉक्सिंग कर दिया हूँ। और ये जो कंट्रोलर है, ये 4.5 से लेके 35 वोल्ट तक ये काम करता है। लेकिन एक बात, 12 वोल्ट का बैटरी अगर होगा तो आपको 12 वोल्ट का ही मोटर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये इसमें नट सिस्टम है, आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ वॉल्यूम है और इसका मोटर का कनेक्शन और बैटरी का कनेक्शन आपको देख के लगाना पड़ेगा। मोटर का कनेक्शन जो है वो उल्टा होने से भी चलेगा, लेकिन बैटरी का कनेक्शन जो है वो सीधा लगाना पड़ेगा। ये मोटर का कनेक्शन और ये वोल्ट, आप जितना वोल्ट दे सकते हैं उतना वोल्ट का मोटर आप यूज़ कर सकते हैं। 4.5 से लेके 35 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो मोटर को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मोटर का वोल्ट जो है वो उल्टा पुल्टा होने से भी चलेगा, लेकिन बैटरी कनेक्शन जो है वो सीधा लगाना पड़ेगा, माइनस प्लस देख के, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, मोटर तो मैंने लगा दिया, अब बैटरी का कनेक्शन मैं करके दिखाता हूँ। वोल्ट में मैं भी सेट कर रहा हूँ। इसे चेक करके उसके बाद मल्टीमीटर में मैं चेक करने वाला हूँ जो वोल्टेज कितना दे रहा है, वोल्टेज ठीक देता है क्या नहीं देता है, मल्टीमीटर से भी मैं चेक करके दिखाता हूँ। हो गया ये, और ये जो हरा वाला है प्लस और नीला वाला माइनस, ये माइनस प्लस देख के हमेशा लगाना पड़ेगा। और जैसे मैं कनेक्ट किया हूँ दोस्तों, ठीक वैसे ही आपको भी करना है। तो ये बैटरी जो 7 mAh का बैटरी है, 12 वोल्ट का, मैं इसी से टेस्ट करने वाला हूँ। ये प्लस प्लस में चला जाएगा और ये माइनस माइनस में चला जाएगा। इसे मैं बंद करके रखता हूँ, नहीं तो ये चालू हो जाएगा। इसे कनेक्ट कर दिया, इस मोटर में थोड़ा सा टेप मार देता हूँ, उसके बाद पता चलेगा क्या कितना स्पीड में घूम रहा है। टेप मार दिया, इसे धीरे से थोड़ा सा चला के देखता हूँ कैसा काम करता है। दोस्तों, इसमें एक इंडिकेटर भी है, ऑन होने से ये इंडिकेटर जल रहा है, ये जलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है। 12 वोल्ट बैटरी और 12 वोल्ट मोटर बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर 12 वोल्ट बैटरी है, मैंने 12 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर दिया और 4.5 वोल्ट का मोटर अगर लगाया तो उसमें काम नहीं करेगा, ये फुल स्पीड दिखाएगा ऑन करने के साथ साथ। तो दोस्तों, अच्छा ही काम करता है। ये मोटर कंट्रोलर आप ई बाइक अगर साइकिल बना रहे तो इसमें आप लगा सकते हैं, बहुत ही काम का है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, मोटर जब स्लो घूमता है तो थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करके घूमता है, जैसे अभी ये वाइब्रेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये हिल रहा है, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है। अब थोड़ा सा मल्टीमीटर से मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा काम करता है वो दोस्तों। इस डीसी वोल्ट में मैंने दे दिया और इसे माइनस प्लस, कोई भी माइनस प्लस कोई किसी में भी लगाने से भी देखेगा। इसे चालू करता हूँ।
दोस्तों, ये जितना घुमाएगा उतना ज़्यादा बोल देगा। दोस्तों मीटर में तो अच्छा शो कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये एकदम ठीक है, परफेक्ट है। बहुत कंट्रोलर ऐसा है जो जिसमें वोल्टेज मीटर से वोल्टेज पता नहीं चलेगा, मोटर कनेक्ट करने के बाद मोटर में ही सिर्फ दिखाएगा, लेकिन इसमें मल्टीमीटर भी शो कर रहा है। ये कम स्पीड है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा काम कर रहा है।